अगली खबर का रुख करते हैं। झीलों की नगरी में चल रहे G20 शेरपा सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। 3 दिन तक मैराथन बैठकों के साथ ही विदेशी मेहमानों को राजस्थानी संस्कृति और यहां की विरासत से रूबरू करवाया गया है। इसके बाद आज चौथे दिन विदेशी मेहमानों को कुंभलगढ़ और रणकपुर का विजिट भी कराया जा रहा है। इसी को लेकर उदयपुर से काफिला रवाना हो रहा है। विदेशी मेहमानों के विजिट को लेकर पुलिस प्रशासन समेत तमाम व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। दिन भर कुंभलगढ़ और रणकपुर का विजिट करने के बाद विदेशी मेहमान उदयपुर लौटेंगे और वहां से अपने देश के लिए रवानगी लेंगे। इसके साथ ही G20 शेरपा सम्मेलन का समापन हो जाएगा। गौरतलब है कि भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसको लेकर एक बार फिर से दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। आपको बता दें कि G20 शेरपा सम्मेलन में विश्व भर से लोग यहां पर जुटे हैं और भारत की साख जो है और मजबूत हो रही है और विश्व स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर यहां पर बातचीत की गई है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं उदयपुर। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, G20 सम्मेलन को लेकर आज आखिरी दिन है, लगभग 3 दिन तमाम वैश्विक मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया गया, इसका निचोड़ क्या निकल कर सामने आया, किन किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया और सही मायने में उन पर चर्चा हो पाई? पंकज जी बिल्कुल, G20 शेरपा सम्मेलन जो 4 दिन का उदयपुर में चल रहा है उसमें आज चौथा और अंतिम दिन रहा। 3 दिन तक जो है मैराथन बैठकों का दौर चला और इस दरमियान वैश्विक मुद्दों पर जो चर्चाएं हुई, जिसमें कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, पर्यावरण को लेकर समस्याएं हैं, चिकित्सा को लेकर जो समस्याएं हैं और आर्थिक मुद्दों को लेकर जो है विश्व स्तर की जो समस्याएं हैं उनको लेकर चर्चाओं का दौर चला। बिल्कुल पंकज, पहली बार मेजबानी कर रहा है भारत, तो ऐसे में यहाँ जो मेहमान आए विश्व भर से उनकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स रहा, उनकी तरफ से यहाँ की संस्कृति को लेकर, यहाँ जो उन्होंने देखा, यहाँ जो गतिविधियां उन्होंने देखी, यहाँ जो प्रेजेंटेशन उन्होंने देखी, इसको लेकर कैसा स्कोप रहा? जी बिल्कुल, G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है और उसके बाद में पहली बैठक जो उदयपुर में हो रही है इसको लेकर ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जहां विदेशी मेहमानों का उदयपुर में आगमन हुआ और उन्होंने यहां की संस्कृति को देखी, यहां की विरासत से रूबरू हुए, तो ये उनके लिए बड़ी ही रोचक वाली बात थी और उन्होंने बड़ी ही खुशी जाहिर की। और राजस्थान की संस्कृति से जिस तरह से उनका स्वागत हुआ उसको लेकर वे बड़े ही खुश नजर आए। उन्होंने इस बैठक को लेकर भी बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई और बताया कि वाकई में भारत और राजस्थान की जो संस्कृति है वो बहुत ही समृद्ध है, विश्व में नेतृत्व करने योग्य है। बिल्कुल पंकज, सही कहा आपने, राजस्थान की होड़ नहीं हो सकती, यहाँ की जो माटी है वो बेहद समृद्ध है, यहाँ के एक व्यक्ति व्यक्ति में, यहाँ की संस्कृति में और यहाँ के ऐतिहासिक जो धरोहर हैं इनमें अपने आप में बहुत से ऐसे गुण समाए हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि समृद्ध है राजस्थान की माटी और राजस्थान, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पूरे विश्व भर से जो तमाम मेहमान पहुँचे उनके स्वागत के लिए भी पलक पावड़े बिछाए गए। आखिरी के दिन है आज, तो आज क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम अभी बाकी हैं? जी बिल्कुल, जो 3 दिन के बैठकों का दौर चला और चौथा दिन जो था वो सिर्फ मेहमानों को घुमाने के लिए रखा गया। और आज जो देखेंगे कुंभलगढ़ जो राजसमंद जिले में पड़ता है और यूनेस्को की विरासत की लिस्टेड में है कुंभलगढ़ दुर्ग, और रणकपुर जो जैन टेंपल है, दोनों जगह मेहमानों को घुमाने का दिन है। और कुंभलगढ़ का दौरा कर चुके हैं और रणकपुर के लिए अभी चल रहे हैं, रास्ते में है और कुछ देर में रणकपुर पहुंच जाएंगे। और मेहमान जो यहाँ की कला संस्कृति और विरासत को देखकर, यहाँ के पुराने महलों को देखकर बहुत ही गदगद हो उठे और उन्होंने वाकई में माना कि यहाँ की जो विरासत है वो बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल पंकज, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार पत्रकार टीवी के माध्यम से अपडेट दर्शकों तक पहुंच रही है इस पूरे सम्मेलन को लेकर जिस पर विश्व भर की नजरें बनी हुई है।